राहुल गांधी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है, रुचि जो है वो नीतीश कुमार की बातों में नहीं दिखा रहे थे। 6 बजे का समय दिया गया था, 6 बजे जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनसे मिलने का, लेकिन 5:30 बजे पहुंच गए, आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी ज्यादातर मुद्दों पर चुप रहते हैं, मतलब राहुल गांधी का जो जवाब है वो हाँ या ना में ही रहता है। पीएम पद के प्रत्याशी 2024 के लोकसभा में नीतीश कुमार नहीं है, ये बातें खुद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से कही है। पूरी मुलाकात थी वो औपचारिकता थी, मतलब फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं ना, वो फॉर्मेलिटी भर ही था। और अंत में जो फोटो दिखा है नीतीश कुमार और राहुल गांधी का, वो भी औपचारिकता को पूरा करने के लिए। विपक्ष की सभी पार्टियों के मन का मिजाज टटोलने 3 दिवसीय दौरे पर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि 2024 में अपने पीएम की दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। हालांकि इन सारे चीजों का क्या मतलब है और क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे से बिहार लौटेंगे तब खुलकर सामने आएगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात और उस मुलाकात में क्या कुछ हुई, बात कितनी बात बनी, बात करेंगे अपने सहयोगी उदित आर्यन जी से। क्या लग रहा है राहुल गांधी से मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई है, क्या कुछ बात बनी है? देखिए, लगना कुछ नहीं है, जो खबरें आई हैं वो खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। दिल्ली में एक सीनियर कांग्रेस लीडर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जो जानकारी दी है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं, उसके आधार पर हम आपको खबर बताएंगे और पूरा खबर बताएंगे कि 6 बजे मुलाकात का समय रखा गया था। नीतीश कुमार पहले पहुंच जाते हैं 5:30 बजे, आधे घंटे की मुलाकात होती है, मुलाकात में क्या क्या बात होता है, कौन कौन से लोग गए थे राहुल गांधी से मिलने, ये सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से लोग गए थे नीतीश कुमार के साथ मिलने के लिए, मतलब राहुल गांधी से। 12 तुगलक रोड जो आवास है दिल्ली में राहुल गांधी का, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो 5:30 बजे ही पहुंच गए नीतीश कुमार। 6 बजे का समय दिया गया था, 6 बजे जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उनसे मिलने का, लेकिन 5:30 बजे पहुंच गए, आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। उसके बाद इनकी एंट्री होती है राहुल गांधी के दरबार में, यानी नीतीश कुमार की एंट्री होती है। और उसके बाद तो आधे घंटे तो पहले इंतजार करना पड़ा नीतीश कुमार को राहुल गांधी से मिलने के लिए, समझिए इस बात को। 4 लोग गए थे मिलने के लिए, कौन कौन लोग थे, तो नीतीश कुमार खुद थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा थे, और अशोक चौधरी थे। अशोक चौधरी पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बिहार के कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, इनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे हैं। तो ये 4 लोग मिलने पहुंचे हैं। अब देखिए, फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, नीतीश कुमार का भी फोटो वायरल हो रहा है राहुल गांधी के साथ, और अशोक चौधरी ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाला है जो खूब वायरल हो रहा है। लेकिन दोनों फोटो कल का नहीं है, एक फोटो पहले का है, क्योंकि जो राहुल गांधी क्लीन शेव में दिख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, वो दाढ़ी में कैसे दिख रहे हैं अशोक चौधरी के साथ, तो अशोक चौधरी की तो भक्त पिट गई है इस मामले पर, उन्होंने पुराना फोटो डालकर और लिख दिया कि कल की मुलाकात, समझिए इस बात को। चलिए, तो ये लोग गए थे मिलने राहुल गांधी से, 6 बजे का टाइम था, 5:30 बजे पहुंच गए थे। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई सामने, जो नेता बताए कांग्रेस के, कि पहले से ही नीतीश कुमार को इस बात का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि राहुल गांधी से आपको किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी है, पक्की खबर बता रहे हैं जी। और ऐसा ही हुआ भी, आधे घंटे की मुलाकात में कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई। जब वो रूम में जाते हैं राहुल गांधी के, तो दुआ सलाम से जो चर्चा है वो शुरू होती है, तो प्रणाम पाती हम लोग बिहार में कहते हैं, वहां से बात शुरू होती है। और उसके बाद कांग्रेस जो भारत जोड़ो आंदोलन अभी चला रही है पूरे देश में, दिल्ली में भी खूब जोर शोर से चल रहा है, बिहार से भी कांग्रेस के विधायक पहुंचे हुए हैं, मुन्ना तिवारी हो या तमाम अजीत शर्मा हो, ये तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं, उसकी खूब तारीफ करते हैं नीतीश कुमार। और इसके बाद राहुल गांधी के बारे में अगर आप पूछिए, तो राहुल गांधी ज्यादातर मुद्दों पर चुप रहते हैं, मतलब राहुल गांधी का जो जवाब है वो हाँ या ना में ही रहता है। जो कहते हैं ना कि पूरा सेंटेंस बोलना, वो भी शायद राहुल गांधी ना बोले हो, इससे क्या इंडिकेशन है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है, रुचि जो है वो नीतीश कुमार की बातों में नहीं दिखा रहे थे, जो खबरें निकल कर आ रही हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने कल यह भी साफ कर दिया राहुल गांधी के सामने, जो पटना में भी वो बयान देकर गए हैं कि पीएम पद के प्रत्याशी 2024 के लोकसभा में नीतीश कुमार नहीं है, ये बातें खुद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से कही है, ये भी पक्की खबर है। इसके बाद
पटना जो चंद्रशेखर राव आए थे तेलंगाना के सीएम, उनके साथ क्या बातचीत हुई थी नीतीश कुमार की, इस बात को भी उन्होंने राहुल गांधी के सामने रखा कि विपक्षी एकता जब तक नहीं होगी हम बीजेपी को नहीं पछाड़ पाएंगे। और एक बात आप और समझिए कि जब वो राहुल गांधी से कहें नीतीश कुमार की 2024 के हम प्रत्याशी नहीं है, मतलब नीतीश कुमार जो है वो पीएम कैंडिडेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कल दिन बीजेपी हारती है, उसे बहुमत नहीं मिलती है 2024 के लोकसभा में, तो फिर से द फेस ऑफ ऑपोजिशन विल बी राहुल गांधी, मतलब विपक्षी के जो चेहरा है वो राहुल गांधी ही होंगे। इसको ऐसे समझा जा सकता है जब नीतीश कुमार ने खुद कह दिया राहुल गांधी से कि भाई हम चेहरा है ही नहीं, तो कौन चेहरा है? मतलब राहुल गांधी को वो बोलने गए थे कि हमारा समर्थन आपके साथ है, आप हमको समर्थन नहीं दीजिए, हम पीएम के प्रत्याशी नहीं है, आप प्रत्याशी होइएगा और हम जो है यानी बिहार में जेडीयू जो है वो समर्थन करेगी कांग्रेस का। यही इसका मॉरल निकाला जाए, यही इसका स्टोरी का कंक्लूजन निकाला जाए। इसके बाद आपको बताएं कि चंद्रशेखर राव से जो बातचीत हुई नीतीश कुमार की पटना में, जब उनका पटना दौरा था, उस समय क्या उनसे बातचीत हुआ, मतलब चंद्रशेखर राव से, ये बातें भी उन्होंने राहुल गांधी को बताया। इसके बाद राहुल गांधी का रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, मतलब राहुल गांधी या तो उनको बहुत लाइटली ले रहे थे नीतीश कुमार को, या फिर खुद बहुत बड़े नेता है, नेशनल लीडर है, इस बात को जताना चाह रहे होंगे नीतीश कुमार के सामने। हालांकि उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनकी जो हायरार्की है, उनकी जो लेगेसी है उनके फैमिली की, गांधी फैमिली की, वो तो बहुत बड़ी है। वो तो इतनी बड़ी है कि देश में उतना बड़ा लेगेसी किसी पार्टी के पास है ही नहीं जो राहुल गांधी के पास है। ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और पूरी बीजेपी भी जानती है, और नीतीश कुमार को भी इस बात का अच्छे से इल्म है। यही कारण है कि वो 5:30 बजे ही मिलने पहुंच गए। देखिए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो पूरी मुलाकात थी वो औपचारिकता थी, मतलब फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं ना, वो फॉर्मेलिटी भर ही था। और अंत में जो फोटो दिखा है नीतीश कुमार और राहुल गांधी का, वो भी औपचारिकता को पूरा करने के लिए, जो नहीं होता है कि दो नेता मिल रहे हैं और खासकर एक नेशनल लीडर है, एक किसी राज्य का सीएम है, तो फॉर्मेलिटी में भी फोटो जो लिया जाता है, चाहे जो प्रेस लेती है फोटो, उतना ही भर का वो फोटो है। तो पूरे चर्चा में जो आधे घंटे की मुलाकात हुई, आधे घंटे 40 मिनट की जो मुलाकात हुई, उसमें राहुल गांधी का कोई रिएक्शन नहीं। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि मैं पीएम प्रत्याशी नहीं हूं। मतलब ये बात अब अगर एक लाइन में पूरे मीटिंग को कंक्लूड कीजिए तो यही निकलता है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी को यह कहने गए थे कि आप जो भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं वो सही है, और बिहार से हमारा समर्थन आपके पास है, आपके साथ है। मतलब बिहार में अगर महागठबंधन को जितने भी सीटें आएंगी, वो सारी सीटें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करेंगी। एक चीज हमने देखा कल जनता दरबार के बाद सीधे लालू यादव से मुलाकात की, और उसके बाद कल 5:30-6 बजे के बीच में राहुल गांधी से मुलाकात होती है, और आज जो है मुलाकात सेंचुरी की बात कर ले, डीराजा की बात जी उनकी बात कर ले, और अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात की है। तो तमाम विपक्ष की पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, जो उनके बड़े चेहरे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या ये थर्ड फ्रंट जो है वो जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, क्या लग रहा है उदित जी, इसको लेकर भी क्या कयास लगाए जा सकते हैं? पहला तो चीज आप समझे कि सीताराम येचुरी हुए, डी राजा हुए, इनकी पार्टी के कितने विधायक है देश में, कितने सांसद है, वाम दलों की कोई जनता के बीच पकड़ तो है नहीं। वो जिसके भी साथ जाएंगे कुछ वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं, समझिए कुछ ही वोट। लेकिन थर्ड फ्रंट, या फिर आप कुमार स्वामी की बात कीजिए जो कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, तो अरविंद केजरीवाल से भी जो खबरें आई हैं अभी तक, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात जो है वो फॉर्मल ही था। अरविंद केजरीवाल से भी पीएम पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ, बस विपक्षी एकता को लेकर चर्चा हुआ है। मतलब अभी तक जो थर्ड फ्रंट है वो इस कंफ्यूजन में है कि हु विल बी द पीएम फेस इन 2024 अगर इन द केस कांग्रेस हमारे साथ नहीं आती है। ये थर्ड फ्रंट की सबसे बड़ी दुविधा है, और कांग्रेस नहीं आएगी ये बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। जो भी सीनियर पत्रकार हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है ये बात, देखिए कांग्रेस भाई क्यों किसी को चेहरा बनाएगी? अगर एक बार कांग्रेस किसी को चेहरा बना दे रही है तो फिर राहुल गांधी की पूरी राजनीति खत्म। ये बात भी स्थापित हो जाएगा कि कांग्रेस अपना जनाधार इस देश में खत्म कर चुकी है, उसको किसी बैसाखी की जरूरत है। तो इतना रिस्क जो है वो कांग्रेस क्यों लेगी 2024 में या 2029 में ही क्यों लेगी? कांग्रेस की जड़ें इस देश से खत्म होनी इतनी आसान नहीं है, ये बात कांग्रेस को भी पता है। आज ना सही 10 साल बाद 15 साल बाद एक ऐसा सिचुएशन आएगा तब कांग्रेस फिर से रिवाइव कर सकती है, लेकिन आज अगर वो किसी को सपोर्ट कर दे तो वो फिर कांग्रेस कभी रिवाइव नहीं कर पाएगी। तो केजरीवाल से मुलाकात आपका जो सवाल है, चाहे कुमार स्वामी से मुलाकात, चाहे डी राजा से मुलाकात, ये सब औपचारिकता भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, अगर बनती है तो सबसे ज्यादा इसका फायदा किसी को होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। कैसे होगा बताते हैं। देखिए, थर्ड फ्रंट जो बनेगा वो वोट किसका काटेगा? वो बीजेपी का वोट नहीं काट रहा है, बीजेपी के जो कोर वोटर है वो बीजेपी को वोट करेंगे ही करेंगे। वोट कटेगा कांग्रेस का,
आप बिहार का एग्जांपल लीजिए, अगर यहाँ पर, खैर बिहार में तो महागठबंधन में कांग्रेस भी है, आप उत्तर प्रदेश का बात कर लीजिए, वहां पर अगर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं थर्ड फ्रंट की तरफ से तो कांग्रेस का वोट काटेंगे। अखिलेश यादव के वोटर कौन है? वही वोटर है जो कांग्रेस के हैं, मुस्लिम समाज जो है वही ना वोट दोनों को कर रहा है, तो वोट बटेगा कटेगा। बीजेपी को इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना है। जब तक कांग्रेस थर्ड फ्रंट में नहीं आएगी, मतलब तीसरे मोर्चे में कांग्रेस का समर्थन नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है, यह डगर इतना आसान नहीं है कि 2024 के लोकसभा में फतह कर जाना। आखिरी सवाल है उदीप जी, 2024 को लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियों से मिलना, तीन दिवसीय दौरा, इन दौरों का क्या मतलब बन जाता है? आपने कहा कि कोई जो अस्पष्ट बातें हैं वो नहीं बन पा रही है, तो इन बातों का मिलना जुलना ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए 10 दिन पहले भी जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हम कहे थे कि नीतीश कुमार अभी नब्ज टटोलेंगे उन तमाम विपक्षी पार्टियों की जो बीजेपी के खिलाफ है। जी 2019 का आप लोकसभा चुनाव याद कीजिए, चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के सीएम, वो पीएम बनने के सपना लेकर ही बीजेपी से अलग हुए थे, आज वो सीएम भी नहीं है, ये तो इतिहास गवाह है इस बात का। तो नीतीश कुमार इतना भी रिस्क नहीं लेंगे कि अचानक से खुद को पीएम प्रोजेक्ट कर दे। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, हो सकता है महीना दिन बाद भी कहूंगा, नीतीश कुमार नब्ज टटोल रहे हैं उन तमाम विपक्षी पार्टियों के सीनियर लीडर्स का, बड़े नेताओं का, कि क्या वो साथ आने को तैयार है, क्या वो किसी एक चेहरा पर तैयार होंगे और क्या वो एक चेहरा नीतीश कुमार का होगा या नहीं होगा। अगर नब्ज टटोलने में नीतीश कुमार को यह लगा कि यह मिशन असंभव है, तो देखिएगा 2024 का पहले वो रिवर्ट भी कर सकते हैं वापस, यानी कि भाजपा में वापसी हो सकती है, ये बात तो अतिशयोक्ति हो जाएगा कहना, लेकिन हो सकता है कि वो कदम पीछे हटा लें 24 में। अब देखिए नीतीश कुमार के इतिहास को देखें तो उनके भविष्य को प्रेडिक्शन किया जा सकता है, तो इतिहास तो यही रहा है कि वो किसी भी दल के साथ जा सकते हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं। तो चलिए, राहुल गांधी से मुलाकात हो गई है, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर ली, और दिल्ली में तमाम विपक्ष के नेताओं से इस वक्त नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। बिहार के लिए मुलाकात नहीं है, विपक्ष की तमाम पार्टियों को एकजुट करना, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना, इन मकसद के साथ नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और मुलाकात हो रहा है, और मुलाकात के बीच ये स्पष्ट हो रहा है कि नब्ज टटोला जाए, कि पार्टियां जो है क्या सोच रही है, 2024 की क्या रणनीति है, क्या उसको लेकर काम हो सकता है, इन सभी चीजों को लेकर नीतीश कुमार गंभीरता से जानने निकले हैं। देखना होगा बिहार आएंगे क्या कुछ कहेंगे, हालांकि अब ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं है, हम आपको अपडेट कराएंगे, आप बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।